हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली जो है वो बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, एग्ज़ाम डेट सीट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर किस दिन है, ठीक, आपका पेपर कौन सी डेट को पढ़ रहा है। तो पूरे टाइम टेबल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली जो है आपका एग्ज़ाम वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए इस 1 मंथ में आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करें, ठीक है। और आपका पेपर और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, आपका पेपर और डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। वो डिफ़िकल्ट किस तरीके से हो गया है अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर किस तरीके से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डेट शीट, अपने टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं और पेपर को लेकर जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी नए पैटर्न लागू किए गए हैं इस कोरोना महामारी को देखते हुए, वो नए पैटर्न पर डिस्कस करेंगे और पेपर संबंधित जो भी बदलाव हुए हैं उन सभी बदलावों को एक एक करके हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर वालों के डेट शीट के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर वालों की डेट शीट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों की डेट शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उससे उसको देखकर आप अपनी डेट, अपने एग्ज़ाम की डेट को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर वालों की डेट शीट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने अपनी डेट शीट को जारी कर दिया है 13 जुलाई 2021 को, ठीक है। यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को हम आइए बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार ये परीक्षाएं दिनांक 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार से प्रारंभ एवं संपन्न कराई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके परीक्षा संबंधी बदलाव हुए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको विशेष में दिया गया है, उपरोक्त परीक्षाएँ शासन के निर्देशानुसार बहुविकल्पी प्रश्न पत्र पर आधारित OMR बेस्ड होंगी, ठीक है। मीन्स आपका जो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था, ठीक है, वो अब क्या कर दिया गया है, सभी पेपर को एक में मिला दिया गया है और ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपकी टाइम ड्यूरेशन को हाफ कर दिया गया है, सिर्फ आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सिर्फ आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 1.5 घंटा मिलेगा। जो पेपर को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है वो है कि आपका जो प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव होता था उसको भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आपका जो 3 पेपर होता था अब 3 पेपर नहीं होगा, तीनों पेपर को एक में ही मिला दिया गया है, तीनों पेपर को एक में ही मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, एक में मिला दिया गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये बदलाव हुई है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हाफ कर दिया गया है, सिर्फ आपको अब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपका पेपर कितना डिफिकल्ट हो चुका है। पहली बात तो तीनों प्रश्न पत्रों को एक में मिला दिया गया है, ठीक है, जो सिलेबस आप 3 बार में पढ़ते थे वो सिलेबस आपको एक बार में ही रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में ही आपको तीनों पेपर को एक बार में ही आपको अटेंड करना होगा। पहला ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। दूसरी बात, जो आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते थे अब आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ठीक है, ये तो राइट या फिर रॉन्ग, ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है। तो इसलिए 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, आप बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आपके परीक्षा संबंधी किए गए हैं। अब आइए हम डेट शीट के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस डेट को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2021, ठीक है। आपकी परीक्षा का जो टाइमिंग होगा वो 11 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा, ये तृतीय वर्ष वालों के लिए है। बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए जो परीक्षा का टाइमिंग होगा वो 11 बजे से 12:30 बजे तक होगा, जबकि बीएससी सेकेंड ईयर वालों का जो टाइमिंग है वो 8 बजे से 9:30 बजे तक है, ठीक है, 8 से 9:30 बजे तक है सुबह।
अब देख लेते हैं कि आपका पेपर कौन सा पेपर किस दिन को पढ़ रहा है। 16 जुलाई को दिन शुक्रवार पढ़ रहा है और आपका इस दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा। और जो बदलाव किए गए हैं, तीनों पेपर को एक में ही मिला दिया गया है और सिर्फ आपका एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको OMR शीट दी जाएगी, जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है, जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, OMR शीट पर आप लोग डार्क करेंगे। 17 जुलाई को शनिवार पड़ रहा है, इस दिन आपका है अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सैन्य अध्ययन का पेपर। इसमें भी वही सिस्टम अपनाया गया है, तीनों पेपर को एक में मिला दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है। 18 जुलाई को रविवार पड़ रहा है, इस दिन आपका शारीरिक शिक्षा का पेपर है। इसमें भी वही सिस्टम है, तीनों पेपर को एक में मिलाया गया है। 19 जुलाई को सोमवार पड़ रहा है, इस दिन आपका ज्योग्राफी का पेपर है। 20 जुलाई को मंगलवार पड़ रहा है और इस दिन आपका वनस्पति विज्ञान का पेपर है। ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र को एक में मिला गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया गया है। 22 जुलाई को गुरुवार पड़ रहा है, इस दिन आपका फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है। 23 जुलाई को आपका है शुक्रवार पड़ रहा है, जंतु विज्ञान का पेपर है, जूलॉजी का पेपर है, तीनों पेपर एक में मिला दिए गए हैं। जूलॉजी का पेपर है, इसमें भी वही सिस्टम है, तीनों पेपर आपके मिला दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिए गए हैं। 24 जुलाई को शनिवार पड़ रहा है और इस दिन आपका मैथ्स का पेपर है। 25 जुलाई को रविवार पड़ रहा है, इस दिन आपका सांख्यिकी का पेपर है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, इस दिन आपका पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। ठीक है, इस दिन आपका पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। चूँकि आपका थर्ड ईयर है तो इस बार आपको पर्यावरण अध्ययन का पेपर पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है पर्यावरण अध्ययन का। तो जाइए चैनल पर, इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और पर्यावरण अध्ययन के पेपर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन क्लास भी हम लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे रिवीजन क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि सभी पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन होगी, जो अवधि होगी, समय की जो अवधि होगी वो 1.5 घंटे होंगे और सभी प्रश्न पत्र आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये था आपका पूरा डेट शीट। आई होप कि आपको ये डेट शीट समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपने अपने एग्जाम डेट्स नोट भी कर लिए होंगे। इस वीडियो, यदि आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।